अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा डाटा एंट्री का कोर्स चल रहा है और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक एक्सटेंशन शेयर की थी और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपके साथ दूसरी एक्सटेंशन भी शेयर करूंगा। तो पहले लास्ट जो हमने एक्सटेंशन आपके साथ मैंने शेयर की थी वो थी ये किंडो एक्सटेंशन, जो कि बहुत ही कमाल की एक्सटेंशन है। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देख लें और फिर आके आप ये वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही कमाल की एक्सटेंशन है। आज की इस वीडियो में भी आपके लिए मैं दो एक्सटेंशन लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले एक भाई ने सवाल भी किया था कि भाई ये आपका जो डाटा एंट्री का कोर्स है ये कितने दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। तो मेरे भाई, अगर आप सपोर्ट करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक दिन में दो वीडियो भी आपके लिए बना दिया करूंगा और हम एक हफ्ते में इसको मुकम्मल कर देंगे। लेकिन मसला पता क्या है कि ये है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं। अगर आपको कोई फनी वीडियो, प्रैंक वीडियो देखते देखते आप जो है वो सारा सारा दिन गुजार देते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा आपको कोई चीज़ सिखा रहा है या अगर आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा है तो आप वो वीडियो नहीं देखते। आपने 2 मिनट वीडियो देखनी है, 3 मिनट वीडियो देखनी है और आपने छोड़ के चले जाना। जब मैंने फाइवर स्किल्स का कोर्स शुरू किया था, जब मैं आपको फाइवर की शॉर्ट स्किल सिखा रहा था तो उस पर मुझे अच्छे खासे व्यूज़ मिल रहे थे, लेकिन जब से मैंने ये कोर्स शुरू किया है कि आपको एक मुकम्मल डाटा एंट्री कोर्स शुरू करवा दूं जिसके ज़रिए आप जो है वो लाइफ टाइम भी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इस पर कोई बंदा देख ही नहीं रहा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। तो मेरे भाई, ये आपके इंटरेस्ट पर, जितना आप ज़्यादा मुझे कहेंगे तो मैं एक दिन में इंशाल्लाह जो भी मैं करूँगा, मैं एक दिन में 2 वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दिया करूँगा, लेकिन उस वक्त जब आपका इंटरेस्ट होगा आप मुझे बताएंगे कि भाई आप सीखना चाहते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये कोर्स मुकम्मल हो जाए और आप इस कोर्स को सीखकर अर्निंग करने लग जाएं, तो लाजमी से कमेंट में यस और नो लिखना है आपने। जो आपका एक राय हो आपने वो जरूर कमेंट में देनी है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की एक्सटेंशन की तरफ कि हमारे डाटा एंट्री कोर्स में हमें और कौन सी एक्सटेंशन यूज हो सकती हैं। आपको ये बात बता दूं कि डाटा एंट्री अगर आप कर रहे हैं या लीड जनरेशन, डाटा एंट्री, डाटा स्क्रैपिंग, तो ये मैन्युअली अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन एक्सटेंशंस की, जो आपको ईमेल प्रोवाइड करती हैं या जो आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड करती हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि दो चीज़ें मुश्किल होती हैं, ईमेल ढूंढना या जो है वो किसी भी बंदे का फ़ोन नंबर ढूंढना, पर्सनल फ़ोन नंबर। तो ये एक्सटेंशन जो है आपको इजी रह कर देती हैं किसी का ईमेल ढूंढने में और फ़ोन नंबर तलाश करने में आपको बहुत हेल्प करती हैं। तो आज भी आपके साथ आपके लिए लेके आया हूँ दो ऐसी एक्सटेंशन जो कि आपको डाटा एंट्री की फील्ड में बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। सबसे पहली एक्सटेंशन जो है यहाँ पर मेरे पास, मैंने इनको इंस्टॉल कर दिया और सिंपल सा तरीका है यार, आप यहाँ पर न्यू टैब ओपन करें, ऐप्स में जाएँ, गूगल स्टोर पे जाएं और यहाँ से आप एक्सटेंशन पे जाके सर्च कर लें। अब ये अडाप्ट एक एक्सटेंशन है, अडाप्ट, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अडाप्ट ईमेल फाइंडर, ये मेरे पास ये फाइंड ईमेल ऑन वेबसाइट, ये वेबसाइट मेरे पास जो है वो आ चुकी है, ठीक है। कुछ इस तरह का इसका जो है वो लोगो होगा या इसका आइकन होगा, आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। आप ये इंस्टॉल कर लें। अब ये आपको ईमेल कैसे ढूंढ के देगी, कैसे आप इससे ईमेल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सर्च करता हूँ जी, मुझे चाहिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक, कोई भी मैं सर्च कर लेता हूँ। जो मैंने ये सर्च कर लिया, मैं इस बंदे का पहला बंदा आया, अब इसका हमने सर्च यहाँ से हमें नहीं देगा क्योंकि हमारा नई प्रोफाइल है। तो मैं यहाँ से सिंपल इसको ओपन करता हूँ, न्यू टैब में जाके इसको सर्च कर लेता हूँ। और ये सब चीज़ें मैं कैसे कर रहा हूँ, अगर आपने हमारा डाटा एंट्री कोर्स फॉलो नहीं किया तो पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं, आप वो देख सकते हैं जाके, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जी इसको ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। अब यहाँ पे इस बंदे का डाटा, यहाँ पे ये देखें लिंक्डइन, मुझे इस पर मैं अगर क्लिक करूँ तो मुझे इसका डाटा नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये सारा डाटा इस बंदे का मेरे पास आ गया, अजय बंगा नाम है, प्रेजिडेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मास्टर कार्ड में, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये एक लिंक नहीं मुझे ओपन करके नहीं दे रहा है इसका डाटा, क्योंकि मेरी प्रोफाइल जो है वो न्यू है और मेरे इतने कनेक्शंस भी नहीं है और मेरी प्रोफाइल लिंक्डइन की प्रीमियम भी नहीं है, इसलिए ये मुझे सर्च नहीं देगा। सर्च तो देगा लेकिन किसी बंदे का डाटा मुझे शो नहीं करवाएगा, तो वो शो करने का तरीका ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये लिंक्डइन आपको एक्सटेंशन बनाई थी, इसने इसकी ई मेल प्रोवाइड कर दी है, यहाँ से ई मेल कैसे आपने कॉपी करनी है ये मुकम्मल तरीका पिछली वीडियो में बता दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो हमारी एक्सटेंशन के बारे में। यहाँ पर मेरे पास ये एक्सटेंशन है, अब जहाँ भी किसी बंदे की ईमेल आएगी या जो भी बंदा आप जिसकी भी प्रोफाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस पे एक स्टार सा आ जाएगा। अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो इस पे यहाँ पे एक स्टार सा आ जाएगा इस एक्सटेंशन पे। ये देखें, ईमेल उसने बता दिया कि ईमेल इस बंदे की है। अब यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसकी ईमेल जो है वो इजीली आपको शो करवा देगा। ये देखें,
यहाँ पे इसकी ईमेल शो हो गई और यहाँ पे कंपनी नंबर इसका शो हो गया। ये आपको कंपनी नंबर भी दे देगा और आपको यहाँ पे मुकम्मल डिटेल इसकी बता देगा। आप यहाँ से जाके देख सकते हैं कि ये क्या क्या इसका है। अब यहाँ से ये तरीका, आपने यहाँ पे जो भी ईमेल आए उसको उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना, बार दफ़ा गलत भी होती है। जो ईमेल भी 80% से या 80% 90% 100% आपको दे, आपने वो कॉपी कर लेनी है, वो ईमेल बिल्कुल सही होगी। यहाँ से कॉपी टू क्लिक, क्लिक टू कॉपी, यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ईमेल यहाँ पे 50% 60% या 50-60% से 60% से जो नीचे हो, वो आपने कभी भी कॉपी नहीं करनी, क्योंकि वो ईमेल अक्सर गलत होती हैं। लेकिन जो 60-80% के दरमियान में है, तो वो आपने कॉपी कर लेनी है और कॉपी करके आपने सेंड करके चेक कर लेनी है कि ये ईमेल सही है या नहीं। आगे ईमेल सेंड करके कैसे चेक करते हैं, और ईमेल अगर किसी बंदे का मिल ही नहीं रहा किसी एक्सटेंशन से भी, तो इसका ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, इंशाल्लाह ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले मैं आपको एक्सटेंशन बता दूं, इजी तरीके हैं जो वो बता रहा हूं, ठीक है। अब ये यहां से कॉपी हो गई, ठीक है। अब किसी और बंदे का आप ढूंढ लेते हैं, ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये नहीं है कि ये एक्सटेंशन आपको हर ईमेल ही देंगी, ये भी कभी मत सोचना कि एक्सटेंशन जो है वो आपको हर बंदे का ईमेल प्रोवाइड करेगी, कभी भी नहीं होगा। एक्सटेंशन ज़्यादा 80% आपको एक्सटेंशन जो है वो ईमेल प्रोवाइड करेंगी, 20% हो भी सकता है किसी बंदे का ना भी करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बंदे का एक्सटेंशन, यहाँ पर ये देखें ये किंडो भी इसकी एक्सटेंशन ये जो है वो नहीं दे रही कि इस बंदे का ईमेल किंडो नहीं ढूंढ सकी, ठीक है। ये उन बंदों को होता है जिनकी कोई प्रोफेशनल ईमेल नहीं होती, या जो ईमेल ज़्यादातर यूज है जिनके पास बिजनेस ईमेल नहीं होता, ठीक है। या इसका भी ईमेल नहीं है, या इसका भी दो कनेक्शन है, इसका कोई इतना आता पता ही नहीं है, ठीक है। ज़्यादा फेमस बंदों का जो ईमेल वो है वो किंडो प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर किसी और बंदे का मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये बंदा आ गया, इसको मैं यहाँ से यहाँ ये एक और चीज़ याद आ गई। अब यहाँ पे इसका जिसका भी लिंक्डइन मेंबर होगा वो आपके पास यहाँ से अगर आप ओपन करना चाहें तो ये ओपन नहीं होगा, इसका डाटा आपके सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी का यहाँ पे नेम आ रहा, जैसे अलान जॉयस है या रॉन जॉनसन है, तो इसका अगर नेम आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये इसका डाटा जो है वो यहीं पर ओपन हो जाएगा, आपको न्यू टैब में जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यह इसके इतने फॉलोअर है, अब इसकी ईमेल इंशाल्लाह यहाँ पे ये देखें किंडो ने ईमेल दे दिया। अब हम देखते हैं कि अडाप्ट इसकी ईमेल देता है या नहीं। तो सिंपल अडाप्ट पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे आके आपने देख लेना है कि ये बंदे की ईमेल कह रहा है कि मेरे पास ईमेल नहीं है। तो जब आपके पास ये सारी एक्सटेंशन होंगी, अगर अडाप्ट नहीं दे रहा तो आपको किंडो एक्सटेंशन जो है वो ईमेल प्रोवाइड कर देगा। अब मेरे पास एक और एक्सटेंशन भी है जिसे हम कहेंगे अराउंड डील, ठीक है। ये भी आपको बहुत ईजीली जाके मिल जाएगी, ये इसका जो है वो आइकन है, और ये आपको इजीली जाके यहाँ से एक्सटेंशन जो है वो आपको ईमेल प्रोवाइड कर देगी। अब यहाँ पे अगर किसी की ईमेल है तो अब यहाँ पे उसका ये टाइटल आ रहा है, ये उसकी कंपनी आ रही है, ये उसका कंट्री आ रहा है, ये इंडस्ट्री आ रही है, ठीक है उसकी। लेकिन इसकी ईमेल यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा, क्यों? यहाँ पे कोई एक्सटेंशन किसी को ईमेल मिलती है, किसी को नहीं मिलती। तो अगर यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा तो आपको किंडो ये एक्सटेंशन दे रहा है, किंडो एक्सटेंशन जो है ये इसकी ईमेल प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब जैसे हमने शुरू में किया था, ये इस बंदे का ईमेल जो मैंने कॉपी यहाँ से करता हूँ और मैं यहाँ से इसको सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे आके, तो अब देखते हैं कि अराउंड डील जो है वो हमें इसकी एक्सटेंशन देती है, इसकी जो है ईमेल देता है या नहीं देता। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और अब ये अराउंड डील भी आप जाके ऐप स्टोर से इजीली ढूंढ सकते हैं। दूसरी एक्सटेंशन जो है वो अराउंड डील है, यहाँ पे आएँ ऐप स्टोर में आएँ, और ऐप स्टोर में आके आप अराउंड डील जो है वो आराम से इसको अगर सर्च करें तो अराउंड डील अराउंड, यहाँ पे ये देखिए अराउंड डील में सर्च करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास एक्सटेंशन आ गई। यहाँ पे मैं इसको अपने ब्राउज़र में जो है वो क्रोम ब्राउज़र में इजीली जो है वो ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, ठीक है। अब आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अब मैं देखता हूँ कि इस बंदे का ईमेल मुझे दे रहा है या नहीं। अराउंड डील यहाँ पे ये देखें ये ईमेल इसका आ गया है, वही ईमेल जो हमें इसने दिया था, किंडो ने दिया था, वही ईमेल ये बंदा ये भी प्रोवाइड कर रहा है। तो बाद का तो ऐसा होता है कि ये अगर आपको किंडो एक्सटेंशन आपको ईमेल नहीं प्रोवाइड कर रही तो आपको ये अराउंड डील जो है वो एक्सटेंशन दे देगा, और अगर अराउंड डील नहीं दे रहा तो आपको अडाप्ट दे देगा। अडाप्ट की वीडियो में हमने देखा, एक तो ईमेल थी हमारे पास अडाप्ट जो कि हमें ईमेल प्रोवाइड करती है किसी भी बंदे का, यहाँ पे ईमेल इसने प्रोवाइड कर दी अजय बंगा, यही ईमेल इसकी यहाँ पे भी मौजूद है। और दूसरी हमारे पास एक्सटेंशन थी वो थी अराउंड डील, ठीक है। ये दो एक्सटेंशन है जो आपको ईमेल प्रोवाइड करती हैं और इजीली आप किसी भी बंदे का ईमेल
ढूंढ सकते हैं। अब ये नहीं है कि हर ईमेल ये आपको देंगी, और कोई ऐसा भी होता है किसी बंदे की ईमेल उनने बहुत सिक्योर की होती है और आपको कहीं कोई एक्सटेंशन भी उसकी ईमेल प्रोवाइड नहीं करती, तो वो एक्सटेंशन आपने कैसे ढूंढनी, सॉरी वो ईमेल आपने कैसे ढूंढनी है, और उस बंदे की ईमेल अगर आपको नहीं मिलती तो आपने खुद से कैसे बनानी है ईमेल उस बंदे की, मुकम्मल तरीका हम देखेंगे इंशाल्लाह इसी कोर्स में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये तरीका भी आपको बताऊंगा। और ईमेल सेंड करके ये ईमेल ठीक है या नहीं है ये कैसे चेक करते हैं ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हमने देखी है दो एक्सटेंशन जो कि आपको ईमेल प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगती है, या आपको ये कोर्स सही लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं, आपने लाजमी से कमेंट में बताना है ताकि मुझे भी पता चले कि जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है और आप कुछ ना कुछ इससे सीख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये एक्सटेंशन आपको जरूर समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।